तो भैया अब राहुल गांधी ने जो काम कर दिया है उस काम को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? राहुल ने 140 करोड़ देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है। दरअसल दोस्तों ये चैलेंज कहां से शुरू हुआ है इस पूरी खबर में आपको बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लोगों तक ज़रूर शेयर करें कि जो 56 इंच वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका 56 इंच का सीना क्या राहुल गांधी के सामने जो उनको चैलेंज किया गया है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे या नहीं, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस ने चूँ भी किया तो प्रधानमंत्री अपनी रैली में चा से जाकर बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस तो ये है वो है फलाना है ढिमकाना है भ्रष्टाचारी है फलाना कार्य है, उन्होंने तो बहुत करप्ट किया है, अभी देश सुधर रहा है, नहीं तो कांग्रेस के शासन में देश एकदम बुरे हाल में था, फलाना था ढिमकाना था, महंगाई इतनी थी, सब कुछ इतना था, सब कुछ मोदी जी बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि ये जो हो रहा है ये कहाँ से शुरुआत हुआ है? दरअसल देश के जाने माने पूर्व जजों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आप लोग जो है ओपन चैलेंज आप लोगों को देता हूँ कि आप जो है डिबेट कीजिए सार्वजनिक तौर पर जनता के सामने। अब लगा मुझे पहले कि शायद प्रधानमंत्री जी इतने एक्टिव रहते हैं हर सवाल का जवाब उनके पास होता है फट से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक तो कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया नहीं गया है, लेकिन राहुल गांधी ने मोदी जी को खुला चैलेंज ज़रूर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आ जाइए तैयार हैं हम आपके साथ, जी हम आपके साथ जो है डिबेट करने के लिए तैयार हैं और आप मैदान में उतर कर सामना कीजिए। और दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने मीडिया वालों को कहा तो कहा लेकिन अब खुद एक लेटर तैयार करके उन्होंने जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस अजीत पी शाह के इस पूरे लेटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है कि स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विज़न देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि अगर देश में लोकतंत्र को स्वस्थ बना कर रखना होगा तो एक मंच से तर्क वितर्क दोनों जो है अपने अपने विज़न को रखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डिबेट करना। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है, यानी कि राहुल गांधी ने इस डिबेट को स्वीकार कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री जी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूँ कि वो इस संवाद में जो है उनसे जो है उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अब देखिए लोग कह रहे हैं असली 56 इंच तो राहुल गांधी का ही है, आगे देखिए क्या होता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुला चैलेंज दे दिया है अब मोदी जी क्या कहते हैं, क्योंकि मोदी जी 10 साल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पाए, लेकिन ये डिबेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि मोदी के चाल को राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक की तरह, जी हाँ मास्टर स्ट्रोक की तरह जो है खेलना शुरू कर दिया है। मोदी जी डाल डाल चल रहे हैं तो राहुल गांधी पात पात चल रहे हैं, और वैसे नहीं छुप छुपा करके नहीं कि टेम्पो में पैसा भर कर आया था, करप्टेड थे अडानी अंबानी, अब अडानी अंबानी का नाम राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं, मोदी जी को सब पता होता है लेकिन फिर भी मोदी जी कुछ नहीं बताते हैं। अब राहुल गांधी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसपे काला धन छुपाया है मोदी जी भेजिए ईडी सीबीआई को पता करे कहाँ है। अब दूसरा जो चैलेंज है वो ये दे दिया है कि आप डिबेट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे मोदी जी। अब देखना होगा देश के 140 करोड़ आवाम को कि क्या मोदी जी इस डिबेट को, जी हाँ इस डिबेट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि देश के लिए ये बहुत ही सुनहरा पल होगा कि जब दो देश के बड़े नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने एक दूसरे से सवाल जवाब करें। ऐसा मौका वैसे तो कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं तो अपने अपने 18 घंटे का विज़न देश के सामने बताइए, विपक्षी नेताओं के सामने आप भी उनसे पूछिए। भ्रष्टाचार का आप इतना आरोप लगाते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, एक मंच पर सब हो जाए, कौन कितने पानी में है। अब मोदी जी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये तो मोदी जी ही बताएंगे। फिलहाल राहुल गांधी ने बहुत जो कहते हैं ना सोची समझी
चाल जो है वो फेंक डाली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।